Yeah.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह बयान करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में और ज़मीन में है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो नहीं करते हो? अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। फिर जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उसने कही थी कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो सरी धोखा है, अब भला उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बहतान बांधे, हालांकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि वह अपने नूर को फैला कर रहेगा, खा काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, खा मुशरकीन को ये कितना ही नागवार हो। वा आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे ज़ुल जलाल के पाक कलाम से जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। मेरे बड़े प्यारे भाई हाफिज़ लईक अहमद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, चांदी लम्हात के सामने वो आपके साथ सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। NA 79 से चौरी मोहम्मद अनवर एडवोकेट साहब और PP 60 से जुल्फकार सोहोता साहब की क्यादत में आने वाले जलूस को पिंडाल में खुशामदीद कहते हैं। मैं सोहोता साहब से और चौरी मोहम्मद अनवर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। तलावत के दौरान मेरी बहुत सी माएँ बहनें बेटियां तशरीफ़ लाई हैं पिंडाल में, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। और बहुत सारे मेरे भाई दोस्त बुज़ुर्ग फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ तहसीलों से पिंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं, उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ।
मैं दरख्वास्त करता हूं मोहतरम हाफिज लाइकम साहब से कि वो आए और आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। हाफिज लाइकम साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व कभी यासी कहा
साहब, आपके सामने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार फरमा रहे थे। इस दौरान और मसलसल मेरे भाई और मेरी बहनें पिंडाल में तशरीफ़ ला रही हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ये जो पिंडाल इतना खूबसूरत सजाया है, इसमें बड़ा हिस्सा मेरे भाई राय नदीमुर रहमान साहब का है, जिन्होंने अपनी दिन और रात की मेहनत और रुकावट से आपके लिए ये सजाया। इंशाल्लाह रंग भरने में आपसे भी कोई कमी का इजहार नहीं होगा। बेशुमार टेलीफोन आ रहे हैं कि इधर से भी जुलूस आ रहा है और उधर से भी जुलूस आ रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद चो ग्रेजुएशन की थी, मैं ते मेरे दो बेटे जमात दे रुकन ने अपनी इस्तेआत दे मुताबक असी दिन रात जमात वास्ते कोशिश कर रहे हैं। कोशिश सानू सारे दोस्तों नू इको ही करनी चाहिए कि असी लोगों तक अपना पैगाम जिहड़ा है वह पहुँचा दईए। तो साडा पैगाम यह वे कि इस मुल्क विच सानू उस निज़ाम लिआउण वास्ते अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए जिहड़ा नबीए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्होंने सहाबा ने अमली तौर पर सानू नाफज करके विखाया सी। आवाम ते लोगों में तड़प जरूर है, साढ़े च कमी है कि असी अपना पैगाम आवाम तक सही पहुँचा नहीं सके। सानू अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने की दिन रात कोशिश करनी चाहिए है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन बहुत करीब ने जो असी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामी निज़ाम अमली तौर पर नाफज हुंदा वेखांगे। मैं इन अल्फाज के नाल ही अपनी गल खत्म करना कि सानू अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने वास्ते अपनी ताकत के मुताबिक पूरा पूरा काम करना चाहिए। किसी से असा आसान नहीं करना, असा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। हम पीपी 61 के उम्मीदवार आबिद उस्मान साहब की क्यादत में आने वाले जुलूस को पिंडाल में खुश आमदीद कहते हैं और आबिद उस्मान भाई से ये दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। और इसी दौरान एक जम्मे गफीर मेरी माओ बहनों बेटियों का पिंडाल में दाखिल हो रहा है, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और जब मैं दाएं तरफ देखता हूँ तो एक बड़ा जुलूस जो है मेरे भाइयों का, मेरे बेटों का, मेरे बुज़ुर्गों का पिंडाल के अंदर दाखिल हो रहा है, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ चौधरी मोहम्मद अनवर एडवोकेट पीपी NA-79 के उम्मीदवार हैं कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। नहमदु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम मआऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा ताल्लुक समुंदरी शहर के करीबी गांव से है और मैंने LLB की है और समुंदरी ही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्लाह के दीन का फरीज़ा जो हमारे ज़िम्मे है वो सोच समझ कर रहा पढ़ाया है और अपनी ज़िंदगी का मकसद तेरे की दीन की सरफराजी में, इसी लिए मुसलमान में इसी में लिए नमाजी। इस मौजू के तहत मेरी कोशिश है कि अपनी इस्तेआत और अपने वसाइल के मुताबिक अल्लाह के दीन की जितनी खिदमत हो सके इस निज़ाम को नाफज करने के लिए, जिस मकसद के लिए ये अल्लाह ने हमें ये तोहफ़ा ये मुल्क जो सोने और जखायर से मारा माल है, लेकिन बदबख्ती की बात है कि इस पर वो जालिम हुक्मरान लूट लूट कर माल बाहर बैरूने मुल्कों में भेज रहे हैं और हम पर बदमाशी के साथ हुक्मरानी भी कर रहे हैं और बोलने भी नहीं देते। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस दीन को नाफज करने के लिए, इस निज़ाम को नाफज करने के लिए एक दिन रात एक करना होगा और इसी में अल्लाह की रजा है, वरना हमारे लिए आखिरत का वो निज़ाम जो इंतज़ाम जो निज़ाम है अल्लाह माफ़ करे। अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि हमारे हमसायों के पास ये दावत क्यों ना दी तो फिर क्या असर होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और जो हमारे जुम्मे है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अदाए। आखिरदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह। पीपी 60 के उम्मीदवार ज़ुल्फ़िकार सोहता साहब से दरख्वास्त है कि वो भी माइक पे आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं रुकने जमात इस्लामी समुंदरी हूँ। मेरा सबका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान से है और मैं
पिछले बलदियाती निज़ाम में यूसी 117 से नायब नाज़िम रहा हूँ। मेरा पुराना ताल्लुक इस्लामी जमीयत उलमा से होने की वजह से रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि हम जमात इस्लामी के पैगाम को लेके बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो, लोगों को सुकून मिले, किसानों को सुकून मिले, मजदूरों को सुकून मिले, लोगों की जान छूट जाए इन डाकुओं से, इन चोरों से, जो कभी पुलिस की ताकत से, कभी पटवारी की ताकत से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। दोस्तों, जो चोर इनका टोला पीपल पार्टी से किसी का ताल्लुक हो या नून से ताल्लुक हो, जब हम देखते हैं जो नून लीग वाले जब नवाशी साहब समुद्री में आते हैं तो एक मुजरम के घर में जो करप्शन का दिलदादा डिप्टी एफ आई ए डिप्टी डायरेक्टर एफ आई ए था, उसके घर में तशरीफ लाता है और जब वो आता है तो हर उसके प्रोग्राम में उसके कंधों से झांक रहा है। दोस्तों, हम समझते हैं जो लोग सारे टोला है लुटेरों का, बदमाशों का, अगर लोगों को सुकून दे सकते हैं, अगर लोगों को उनका हक दे सकते हैं तो फिर सिर्फ एक ही निज़ाम है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, जिसकी बदौलत लोगों को हक मिल सकता है, उनके हकूक मिल सकते हैं। इसलिए हम इस मुल्क में जमात इस्लामी की हकूमत का बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर होगा। माशाल्लाह। हम आने वाले भाइयों को पिंडाल में खुश आमदीद कहते हैं। ये बड़ी दूर से साथी झंडों के साथ नज़र आ रहे हैं, पिंडाल में आएंगे तो पता चलेगा कहाँ से ये साथी आ रहे हैं। और मेरी भाई बहनें बेटियों को मुसलसल मतलब जो उनका पिंडाल में आने का एक तसलसल है, मुझे उम्मीद है कि ये पिंडाल तंग पड़ जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम वकार नदीम बड़ाइश साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब से, कि वो आए और जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान के शुरका से मुखातिब हों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इंकलाब इंकलाब, इस्लामी इंकलाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माँ बहनों, बेटियों, काबिले सद एहतराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज का ये जलसा 23 मार्च के हवाले से इस मुल्क के पाकिस्तान में जमात इस्लामी कराची से लेकर खैबर तक इस आवाज को उठाने के लिए 18 करोड़ आबादी के इस मुल्क के पाकिस्तान में अवाम की ताकत के जरिए, अवाम की आवाज के जरिए पाकिस्तान के हुक्मरानों तक वो हुक्मरान के जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान में, वो मुल्क के पाकिस्तान के जिसे आज से 64 साल पहले उन शहदा ने उस तहरीके पाकिस्तान में इसलिए हिस्सा लिया था कि कायद आजम की क्यादत में उस वक्त ये नारा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
आज 64 साल गुजरने के बाद मेरे उन शहदा की कब्रों से उठने वाली आवाज इस मुल्क के पाकिस्तान के जरदारी से पूछ रही है, गेलानी से पूछ रही है, कियानी से पूछ रही है, नवाज शरीफ से ये बात पूछ रही है, क्या मुल्क के पाकिस्तान के परानों हमने इस पाकिस्तान को जुल्म वाला पाकिस्तान बनाने के लिए हासिल नहीं किया था, ये नाइंसाफी वाला पाकिस्तान बनाने के लिए हासिल नहीं किया था, ये अपनी बेटियों के सर से चादर को उतारने वाला पाकिस्तान नहीं दिया था, हमने तो इस पाकिस्तान को इस मकसद के लिए हासिल किया था कि मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरी बड़ी इस्लामिक स्टेट बनेगी जिसमें अदल होगा, इंसाफ होगा, जालिम को उसके किए हुए जुल्म की सजा मिलेगी और मजदूम को पूरा इंसाफ मिलेगा। कोई माई का लाल अपनी नौजवान बेटी की तरफ निगाह बद से देखने की जरूरत नहीं कर सकेगा। आज 64 साल गुजरने के बाद मेरा ये मुल्क के पाकिस्तान, चार मौसमों वाला पाकिस्तान, सोने के जखायर वाला पाकिस्तान, तांबे के जखायर वाला पाकिस्तान, कोयले के जखायर वाला पाकिस्तान, गैस के जखायर वाला पाकिस्तान, आज इस मुल्क के पाकिस्तान में इन जरदारियों की, इन गेलानियों की और इन नवाज शरीफों की मुनाफकत और करप्शन की वजह से आज इस मुल्क के पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा 61,000 रुपए का मकरूज है। आए दिन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल की सूरत में, गैस की सूरत में नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और आज वो मुल्क के पाकिस्तान, ये शहर फैसलाबाद के, जिस शहर फैसलाबाद में लोग पूरे पाकिस्तान से रोजगार के लिए और मजदूरी के लिए और इन मिलों में काम करने के लिए आया करते थे, आज इन्हीं मिलों के अंदर, कारखानों के अंदर काम करने वाला मजदूर सरापा एहतजाज है। इसलिए सरापा एहतजाज है कि वो कहता है कि मैं बिजली का बिल कहाँ से अदा करूँ, मैं गैस का बिल कहाँ से अदा करूँ, मैं बच्चों की तालीम के लिए कहाँ से पैसा लाऊँ, मैं इस महंगाई के अंदर दो वक्त की रोटी कैसे खा सकता हूँ। मगर आज इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इन हुक्मरानों पे कतन इन्हें कोई एहसास नहीं, मगर मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जरदारी तो एक सिक्केबंद चोर की हैसियत से मशहूर है। मैं नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि अगर उसने करप्शन की थी, अगर गेलानी करप्ट है, और इनकी करप्शन का भी अजीब मामला है कि ये जिस वक्त इन्हें वहां पे सपोर्ट की जरदारी साहब को जरूरी होती है तो उस वक्त एक बड़ा भाई बन जाता है, एक छोटा भाई बन जाता है, उस वक्त उसको कंधा देना शुरू कर देते हैं और जहां पे जरूरत पड़ती है कि इसकी मुखालफत के नतीजे में हमें कोई फायदा होगा तो शहबाज शरीफ साहब गो जरदारी गो और जरदारी चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर ये उसी असेंबली के अंदर रहते हुए मुस्लिम लीग नून वाले एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करते,